आज नोकिया ने भारत में अपना आइकॉनिक फीचर फोन 5310 कर दिया है लॉन्च। दाम रखा है इसका 3,399 रुपए, यानी कि 3,399। और इस फोन की जो प्री बुकिंग है वो हो गई है चालू आज से ही nokia.com पे, और 22 तारीख से ये फोन आपको मिलेगा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पे, और 23 तारीख से आप इस फोन को खरीद सकते हैं Amazon से और nokia.com से। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फोन का Nokia 5310 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और जैसे कि आप बता चुके हैं, आज आपको एक पुराने फोन जो नोकिया ने किस जमाने में लॉन्च किया था 5310, इसका दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग और साथ साथ फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, लेकिन स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा फोन, जिसके लिए आप अगर आप ये डिवाइस खरीदेंगे तो इसी चीज के लिए आप पैसे देते हैं। तो फोन तो मिलेगा ही, साथ में आपके पास मिलेगा एयरफोन और फिर एक पावर अडैप्टर मिलेगा। और सिंस इस वाले फोन में रिमूवेबल बैटरी होती है तो बैटरी भी आपको अलग से मिल रही है, और साथ में मिलेगा आपको यूजर मैनुअल। तो कुल मिला के चार चीजें बॉक्स के अंदर मिलेंगी, तीन है जिनका आप यूज करेंगे और एक है जिसे आप पढ़ना है, जो मुझे मालूम है कि आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम भी नहीं पढ़ते। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसका जो बैक पैनल है, जो रिमूवेबल बैक पैनल है, अगर हम उसको हटा तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीचे ग्रूव सा बना हुआ है ताकि आप उसमें अपना नाखून फंसा सके और कड़क करके खींच सके। तो जैसे ही आप ये खोलेंगे तो इसके अंदर आपको स्लॉट मिलेंगे, दो सिम स्लॉट्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड की स्लॉट की जगह मिलेगी। और चलिए अब ऐसा कर लेते हैं, रिमूवर बैटरी को उसमें डाल के डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डिवाइस तो हो गई पावर ऑन, अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के लुक एंड फील के। काफी हल्का फुल्का डिवाइस है और जो अपने पहले अवतार में डिवाइस आया था उससे मिलता जुलता डिजाइन, मिलता जुलता नहीं, पूरा हूबहू वही डिजाइन है। और सामने की तरफ आपके पास कीपैड है और इसमें टच सपोर्ट नहीं है, सब कुछ कीपैड के थ्रू करना पड़ेगा। और अगर आपको आदत पड़ चुकी है टच स्क्रीन की तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है स्टार्ट में बटन्स को एक्सेस करने में। तो फ्रंट में इसमें आपके पास चार नेविगेशन कीज मिलेंगे और एक ट्रैक पैड टाइप का की मिलेगा और नीचे न्यूमेरिक कीपैड है। बैक पैनल की अगर बात करें तो यहां पर आपको एक कैमरा मिलेगा जो VGA है और साथ ही साथ इस जो फ्लैश सपोर्ट करता है, उस फ्लैश को आप टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर इसमें आपको 3.5mm जैक मिलेगा ताकि आप अपना एयरफोन इसमें लगा सके। माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी है जिसके थ्रू आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं। जो लेफ्ट पैनल है यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा ताकि आप वॉल्यूम इसका ऊपर नीचे कर सकें। और ये फोन काफी स्ट्रेस करता है म्यूजिक के ऊपर, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट बटन्स देके रखे हैं लेफ्ट पैनल में, जिसके थ्रू आप जो भी गाना सुन रहे हैं उसको प्ले पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड रेड का जो बटन वाले एरिया है वो पूरे के पूरे रेड में है। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका पूरा सेटअप। अब बात कर लेते हैं आपको इस फोन में क्या क्या मिलता है। तो इसमें आप जैसे आप पावर ऑन करेंगे आपको तीन सेटिंग्स मिलेंगी, गो टू, फिर मेन्यू और कैमरा। अगर गो टू की बात करेंगे, गो टू में आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे जिसमें आप गैलरी में जा सकते हैं जब भी आपने कोई फोटोग्राफी से खींचा है। तो उसके अलावा लॉक कीपैड, अगर आप कीपैड को लॉक करना चाहे तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो कीपैड लॉक हो जाएगा। और उसके बाद अनलॉक करने के लिए टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जो पहली की आती है आप उसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, फोन अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा टॉर्च, अगर टॉर्च आपको ऑन करनी है तो यहां से ऑन कर सकते हैं। रिंग वॉल्यूम, रिंग का वॉल्यूम बढ़ाना है आपको कम करना है वो कर सकते हैं। और सेटिंग्स मेन्यू मिलती है, सेटिंग्स मेन्यू में आपको मिलता है कनेक्टिविटी ऑप्शन जिसमें तीन चीजें मिल रही हैं आपको, फ्लाइट मोड, ड्यूल सिम, ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सॉन्ग्स नहीं हो रहे तो ट्रांसफर करना है वो भी कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी के मामले में ये बेसिकली जो आपके फोन का 2G कनेक्शन होगा उसको यूज करेगा आपको नेटवर्क देने के लिए। तो फ्रेंड्स, सेटिंग्स तो हमने देख ली और टोन्स अभी बार देख लेते हैं। टोन्स में अगर आप जैसे सिम वन में जाके हम चेक कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे टोन्स के नाम दिख रहे होंगे, और जो नोकिया की ट्यून है, नोकिया ट्यून, वो आपको सबसे पहली वाली दिखेगी। आप अगर चाहते हैं वो नोकिया के आप दीवाने और उस ट्यून को बहुत पसंद करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर साथ साथ आपको ये भी बता दें, इस फोन में वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेशन मोटर भी है, आप उसे चाहे तो ऑन रख सकते हैं या फिर ऑफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके मेन्यू में आपको क्या मिलता है, पर उसको जाने के लिए आपको टच से कुछ नहीं होगा, वो बीच में एक राउंड बटन है उसको दबाना है तो आप मेन्यू में जा सकते हैं। वहां आपको कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, फेसबुक, जी हां फेसबुक भी यूज कर सकते हैं।
मैसेजिंग इंटरनेट मिल जाएगा, ये आपका वेबसाइट मिलेगी, आप जाके कुछ कुछ चीजें सर्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अमेजिंग नहीं रहेगा अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं। उसके बाद आपको मोबाइल स्टोर मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, म्यूजिक की सेटिंग मिल जाएगी, रेडियो की सेटिंग मिल जाएगी। अब रेडियो की सेटिंग पे आगे तो बात कर लेते हैं। इसमें आप बिना एयरफोन के भी रेडियो स्टेशन सर्च कर सकते हैं और अपने अपने मनपसंद चैनल को सुन सकते हैं। लेकिन यहां पर ये बता दें, अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए तो हमारी एडवाइस ये रहेगी, आप इसमें एयरफोन को इंसर्ट कर दी, कोई रिसेप्शन बेटर होगा और जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है रेडियो स्टेशन की। रेडियो के बाद आप बात कर लेते हैं बाकी क्या चीजें आपको मेन्यू में मिलती है। स्नेक गेम, जो एक नोकिया का आइकॉनिक गेम था, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, वो है इसमें। उसके बाद वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सेटिंग्स मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीडियोस भी आप प्ले कर सकते हैं इसमें। और इसमें गेम्स के मामले 2-3 गेम्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है, स्नेक तो है ही है। उसके अलावा इसमें एसेसिन क्रीड गेम भी है, जिसे आप चाहे तो खेल सकते हैं। इसके अलावा डूडल जंप गेम है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड गेम्स हैं। अगर आपको कुछ और गेम्स करने हैं तो नोकिया स्टोर से आपको करना पड़ेगा परचेज। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की। इसमें जो कैमरा है उससे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा, VGA कैमरा है, देने के लिए कैमरा दे दिया गया है। और लेकिन एक और चीज है, ये कैमरा में सेटिंग्स के मामले में जो फीचर्स देके रखे हैं वो किसी मामले में कुछ कम नहीं दिए हैं। इसमें आपके पास इमेज इफेक्ट का भी एक सेटिंग मिलता है, सेटिंग मेन्यू में आप जाएंगे तो आप उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू आप ग्रे स्केल, सीपिया, उसके पास ग्रीन टिंट, आप बहुत सारे ओवरलेज डाल सकते हैं अपने फोटोग्राफ्स के ऊपर। इसके अलावा आपके पास एक और सेटिंग मिलेगी, चूज सीन। जी हाँ, आजकल वो स्मार्टफोन्स में AI टाइप का आता है ना, कि AI से सीन रिकॉग्निशन होता है, इससे भी कुछ ऐसे ही देके रखा हुआ है। और इसमें दो मोड्स है करके, ऑटोमेटिक और नाइट। नाइट को सिलेक्ट कर लेंगे तो नाइट मोड के फोटोग्राफ्स अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगेन ज्यादा एक्सपेक्ट मालूम है आपको। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें सेट टाइमर भी है, अगर आप टाइमर लगा के फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं तो वो भी खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या है। बटन जितने हैं काफी अच्छे हैं, टच करने में काफी अच्छा फील आता है, मजा आता है कि वो टक टक आवाज आती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आवाज लगती है इसमें। उसके अलावा कैमरा इतना कोई खास नहीं है, जैसा हमको बता चुके हैं। साउंड क्वालिटी हमें अच्छी लगी, काफी लाउड लगी। लेकिन अब यहां पर ये सवाल उठता है कि क्या हमें ये फोन खरीदना चाहिए। तो इसमें दोस्तों 3 सिनेरियो बनते हैं। एक, अगर आप खाली फीचर फोन ही लेना चाहते हैं और आगे मूव नहीं करना चाहते तो आपकी अगली चॉइस हो सकती है। दूसरा चॉइस है कि आपके पास एक स्मार्टफोन ऑलरेडी रखा है, लेकिन आप एक सेकेंडरी डिवाइस रखना चाहते हैं जो फीचर फोन हो, जिसको आप कॉलिंग के लिए खाली यूज करें और जिसकी बैटरी हो दमदार। तो फ्रेंड्स, ये भी आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उनमें से हैं, आप अपना एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो फुली फंक्शनल फोन हो आजकल के टाइम के हिसाब से, और आप 5-6 हजार रुपए तक खर्च कर सकते हैं, तो आप के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको एक स्मार्टफोन लेना चाहिए जो फुली लोडेड हो, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को अच्छे से यूज कर सकें और बहुत सारे एप्स का भी फायदा उठा सकें। तो चॉइस है आपकी, आप निर्णय लीजिए आपको कौन सा डिवाइस लेना है। लेकिन अगर फीचर फोन के हिसाब से बात किया जाए और नॉस्टैल्जिया के हिसाब से बात किया जाए तो फोन अच्छा लग रहा है, यूटिलिटी वाइज थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये वाला वीडियो तो यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।